बढ़िया भोजन मिला है मुझे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। देखो तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? बड़ा मूर्ख समझता है मुझे। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने माँ को वचन दिया, इस वक्त उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ। तुम्हारे वचन से मुझे क्या लेना देना? मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक भोजन हो, सिर्फ एक भोजन। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके साथ मैं एक मनुष्य भी हूँ। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? वैसे भी मनुष्य तो मेरा प्रिय भोजन है। खबरदार, आयुष को भोजन समझने की भूल मत करना। बेशक उसमें जादुई शक्तियां नहीं है, लेकिन वो एक साधारण पुत्र नहीं है। उसमें हमारा खून है, एक धर्मात्मा माँ का संस्कार है जो किसी जादुई शक्ति से कम नहीं है। इसलिए उसके सामने जब भी जाओ, एक बराबर का दुश्मन समझ के जाओ। बात इतनी सीधी नहीं है। आयुष विक्रांत को मारने जरूर आएगा, लेकिन उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि विक्रांत की शक्तियों के आगे आयुष एक दिन का साबित होगा। बात तो तुमने भी पते की कही, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि तुम आयुष को यहाँ पहुंचाने में और विक्रांत को मारने में उसकी मदद करो, क्योंकि जब तुम्हारी और उसकी शक्तियां मिल जाएंगी तो आयुष बहुत ताकतवर हो जाएगा। तुम बोल रही हो बहना, जो विक्रांत को मारने आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ दम जरूर होगा। हमें कोई भी चूक नहीं करनी है, बहुत मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है और मैं इसे गवाना नहीं चाहती। ठीक है, मैं आयुष की मदद करने की तैयारियां करना शुरू कर देता हूँ। जाओ भाई, एक क्षण भी मत गवाओ। मैं बहुत जल्द विक्रांत की मौत देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी मौत पर ही हमारी जिंदगी निर्भर करती है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। मौत? देखो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वहां से लौटूंगा फिर मुझे खत्म कर देना। बेवकूफ, बेवकूफ, तुम जिसकी मौत बनकर जा रहे हो, उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए मौत बनाकर। मतलब तुम मेरे पिता द्वारा भेजे गए हो? बिल्कुल सही। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये तो बड़ी विकट समस्या है। घबराओ मत आयुष, मैं कवच बना देता हूँ। अब ये दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Thank you.
क्यों हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते। देखा आयुष, मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद सुंदरी, बस जल्दी यहाँ से चलो। ठीक है।